हेलो शख्स, मेरा नाम अब्बास है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मेरे पिच स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो विनीता, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी वॉलंटियर बनेगी? ऑफ कोर्स, एनी टाइम। तो मेरी मैजिक ट्रिक ये स्मॉल डिवाइस के साथ होगी। ओके। एंड वुड यू माइंड अगर मैं आपके हाथ को टच करूँ जरा? तो नो, ये पकड़िए प्लीज। गिव योर हैंड। ओ क्या क्या क्या, आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ इसके साथ। इफ यू डोंट माइंड, ये आप जरा पकड़ेंगे। तो शाक्स, आपको थोड़ा मजा आया? ये है क्विकी। क्विकी क्या करता है, जब इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है तो एक साउंड देता है, और हमारी जो बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसीलिए जब मैंने क्विकी को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा तो मेरे स्किन के थ्रू करंट जाके ये सर्किट कंप्लीट हुई। खेल खेल में मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जो कभी ना कभी तो आपने स्कूल में सीखा ही होगा। लेकिन याद किसको रहता है। लेकिन अभी मैंने आपकी क्यूरियोसिटी को जगाई, फिर मैंने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इग्नाइट की, और ये सबसे पावरफुल लर्निंग टेक्निक को हम बोलते हैं प्ले। एंड दैट इज व्हाट वी डू एट ब्लिक्स। हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू आप साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट जैसे फोर्स, पावर, वोल्टेज, या तक कि रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं। और ये विजन कंप्लीट करने के लिए मैं आया हूँ आपसे 80 लाख रुपीस मांगने के लिए फॉर 2% ऑफ माय कंपनी। तो आइए शार्क्स, हम मिक्स करते हैं प्ले और लर्निंग को विद ब्लिक्स। ऑसम यार अब्बास, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू सो मच। यार आपने एक बात कही, आपने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये एक अच्छा पर्पस है, ये आपके दिमाग में कैसे आए? मैं जब छोटा था, मेरे डैड ने एक टॉय कंपनी चालू की थी कॉल्ड ज़ेफायर टॉय मेकर, और उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। इट हैज नट्स बोल्ट्स मेटल पार्ट्स, जिसको जॉइन करके आप टॉयज एंड कार्स एंड सब बना सकते हैं। दैट मैकेनिक्स ब्रांड, या वो आपके डैड की कंपनी का है? यस यस, मैकेनिक्स तो बहुत पॉपुलर है। यस मैम, इन द टॉय इंडस्ट्री इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉय कंपनीज इन इंडिया। आउट ऑफ दैट 7.5 crore मैंने और 1.5 crore डाला है इसके अंदर। एंड देयर इज नो अदर इन्वेस्टर इन दिस बिजनेस? देयर इज नो अदर इन्वेस्टर। ज़ेफायर कितनी बड़ी कंपनी है? सर उसका रेवेन्यू इज अबाउट 25-30 crore। और ये कितनी बड़ी कंपनी है? इसका रेवेन्यू इज अबाउट 4 crore। चलो वहां तक पहुंच ही गया, तो लास्ट ईयर आपने 4 crore किया, पिछले महीने क्या किया? लास्ट मंथ हम लोग ने किया 36 lakhs, लेकिन अप्रैल में वी वर 53 एंड मई में वी वर 60 lakhs, बिकॉज दोज मंथ्स एंड जो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर रहता है वो स्कूल बिजनेस का बहुत हाई सेल्स रहता है। और ये साल कितना करोगे आप? 8 crore। नॉट बैड। हमारा प्रपोजल है कि आप टोटल 1 crore रुपए का इन्वेस्टमेंट दें, हम दोनों उसे इक्वली स्प्लिट करेंगे, वैल्यूएशन सेम रहेगी जो हमने पहले प्रपोज की। 16 crore। मैथ्स तो करके बताओ। 6.25%। भाई एक बात याद रखना, उसमें एक कंडीशन है। Yes. हमारा ये कंडीशन नहीं है, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। चलो आई विल गिव यू 80 लाख फॉर 4%। चलो आपकी वैल्यूएशन तो बड़ी भाई, अब आएगा मजा। चलो डन, डील पक्की, अमन एंड रितेश। चलो कांग्रेचुलेशंस। यू आर हैप्पी? नो, वेरी हैप्पी। आई एम वेरी डन। डिसीजन जल्दी लिया कर यार, मेरे तरह बन। गुड वन यार। थैंक यू सो मच अब्बास। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। हाय शार्क्स। हेलो। वेलकम टू शार्क टैंक। गुड वन, वेरी नाइस। मेरा नाम सत्यजीत मित्तल है, मैं अरेटो का सीईओ और फाउंडर हूं, और मैं पुणे से आया हूं। अनुपम, yes, आपका शू साइज क्या है? 8 US। अगर मैं आपको साइज 9 या 10 दे दूं और पूरा दिन ऑफिस भेज दूं, तो आपको कैसा लगेगा? लूज लगेगा। लूज लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, करेक्ट? बट बचपन में तो यही होता था,
मम्मी पापा जब हमें शूज खरीदते थे तो एक उंगली आगे रखकर हमेशा एक साइज बड़ा खरीदते थे और फिर मोटे मोटे सॉक्स पहनाकर आगे स्टफिंग डाल के yes. या फिर लेसेस कस के टाइट करके बस किसी तरह फिट करा देते थे। बच्चों के पैर 1 से 10 साल की उम्र में इतने रैपिडली ग्रो होते हैं और पेरेंट्स हर 3 से 6 महीनों में नए जूते नहीं खरीदते। दुनिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने बट किसी भी ब्रांड ने बच्चों के लिए जूते नहीं बनाए। उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली अडल्ट शूज को श्रिंक डाउन करके उनका छोटा वर्जन बना दिया और बच्चों को पहना दिया। हम बात कर रहे हैं 110 करोड़ बच्चों की जो लगभग दुनिया में है इस समय 1 से 10 साल की उम्र में। तो बच्चों के साथ ये रोज जागती क्यों हो रही है? यहीं से हमारी सोच शुरू हुई। हम चाहते थे कि हम हर एक बच्चे को एक परफेक्टली फिटेड शू पहनाएं। इसीलिए हमने 2 साल की लंबी R&D और अनगिनत फुट ट्रायल्स के बाद बनाया अरेटो। अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो बच्चों के पैरों के साथ 3 sizes तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 elements: हमारी सुपर ग्रूव टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है। 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 lakhs फॉर 1% ऑफ आर कंपनी। फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई क्रिस्प हो टू द पॉइंट जवाब दो। मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है? 1,50,000 था। तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ, 12 lakh में आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 lakh कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का। 6 lakh में से 3 lakh के आपके खर्चे निकल गए जो आपने मुझे बताया, तो 3 lakh रुपए और बच गए जी। तो 12 lakh में आप कह रहे हो 1.5 lakh का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 lakh कहाँ जा रहा है? इसलिए मैंने बलून के बारे में बोला था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1,000 से 2,000 बलून उड़ाते हैं, ठीक है? तो हम वो स्पेंड करते हैं 1.5 lakh रुपए मार्केटिंग में जा रहा है। तो मोटा मोटी योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% EBITDA, करेक्ट? और हर महीने सेल बढ़ रही है? हाँ जी। पहले महीने क्या सेल थी? 8 lakh रुपए की सेल, और अभी 12 lakh पे पहुंच गए जी। मेरे को बंदा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को तो नौटंकी लगा बहुत बड़ा। तूने किसी की नहीं सुनी, कान ऐसे ने तो ऐसा पकड़ रहा था। I'm not saying you might not do well, you might be the next Crocs or the next Nike, I don't care, but you and I can't relate to each other for some reason. Thank you so much. I'm also out of this, I'll tell you why. आज आपकी Shark Tank पे डील होगी, जैसे हमारी डील हुई। आप अब मेरे पास आए थे तो आपका रेवेन्यू नहीं था, you were pre-revenue, right? Pre-revenue मैंने आप पे 1 crore rupees, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बेट किया। मैंने कहा मुझे 10% इक्विटी चाहिए। You were fixated कि नहीं मेरे को तो 15 crore चाहिए, and you found some HNIs, ultra HNIs. हम तो शार्क हैं, हमें पता है कैसे चलता है। On zero revenue, I gave you 1 crore. अब of course यहाँ पे भी आप डील करेंगे, DD में टाइम लगेगा, 1.5-2-3 महीने लगता है, राइट? इस दौरान आपकी सेल हो गई 60 lakh to 80 lakh, राइट? अब आपने वो राउंड नहीं क्लोज किया, ठीक है? जो शार्क टैंक के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, यू सेड अब मुझे कम पैसे चाहिए, आई अग्री टू कम पैसे, फिर भी यू डिडंट क्लोज इट। अब यहाँ पे आप डील करोगे जी। फिर जाएंगे आपको कोई अल्ट्रा HNI दे देगा 80 crore में, फिर आप यहाँ पे बोलोगे डील कम हो गई। तो ये जो बात अमन ने बोली है ना, प्रॉब्लम घूम फिर के वही आ रही है कि यू हैव टू समवेयर स्टिक टू बी ऑथेंटिक, बट आई एम आउट। आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास जी। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक जी, और वही आप लूज कर दिया। आई एम आउट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए, बेस्ट ऑफ लक शार्क्स। बूमर्स से लेकर मिलेनियल्स तक, मिलेनियल्स से जेन जी और अब जेन अल्फा, इनमें सिर्फ नाम ही नहीं बदला है पर बच्चों का बचपन भी काफ़ी बदल चुका है। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो वो स्टोरी बुक से ज़्यादा स्टोरीज, प्लेग्राउंड से ज़्यादा प्ले स्टेशन और रियलिटी से ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे में उनकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ गए हैं, उनके सोचने की क्षमता कम हो गई है और उनका अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है कलाकर्म। हाय शार्क्स, मेरा नाम चैतन्य मल्होत्रा है, मैं गुड़गांव से आया हूँ और मैं कलाकर्म का फाउंडर हूँ। कलाकर्म में हम बनाते हैं यूनिक DIY किट्स जो बिगिनर पेंटिंग एक्टिविटीज से लेकर एडवांस क्राफ्ट एक्टिविटीज को कवर करती हैं। जितने भी हमारे उसूल हैं कलाकर्म में, दे आर बेस्ड ऑन आर्ट इज थेरेपी। आर्ट इज अ टूल
थ्रू विच बच्चे अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं. माय आस्क इज 50 लाख फॉर 2.5% ऑफ माय कंपनीज इक्विटी. तो आपको क्या खिलौनों का शौक है या आर्ट का शौक है? इट गोज बैक 50 इयर्स. जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट में रॉ मटेरियल रखते हैं उनका मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस रह चुका है फ्रॉम द लास्ट 50 इयर्स. सदर बाजार दिल्ली में हमारा होलसेल का काम है इन चीजों का. किन चीजों का? स्टेशनरी की दुकान में छोटा सा सेक्शन होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जहाँ पे मिक्सचर पड़ा होता है बहुत सारे अलग अलग रिबन, अलग अलग थ्रेड, अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल का. और 50 साल मैंने तो नहीं बक्की हूँ, ने 50 साल इस पे काम किया है एंड आई गॉट अ चांस टू टेक इट फॉरवर्ड. आपकी सेल क्या? September में we did 42 lakhs. Wow. Not bad. October में we did 45 lakhs. And November we've closed on 50 lakhs worth of billing sales. Good job. Very good, very good. ये तेरी कब से स्टार्ट हुई थी कंपनी? सर कंपनी स्टार्ट हुई है 2022 मार्च में हमने बनाई थी और 2022 अगस्त में वी वेंट टू मार्केट. फर्स्ट ईयर में टोटल तूने कितना वो किया था? सर 6-7 महीने ऑपरेशंस में हमने अबाउट 1.5 सीआर पे क्लोज किया था. और इस साल कितना क्लोज करोगे? 5 पे कब क्लोज करोगे? वेरी नाइस. 5 सीआर. चैतन्य 50 लाख फॉर 5%. तू चलिए सुनी 50 लाख फॉर 4%. वो लेट द गेम्स बिगिन. मैं आपको सेम ऑफर देता हूं जो नमिता ने दिया, 50 लाख 5%. कैन यू थ्री ऑफ यू डू इट टुगेदर? क्या करना है सर? अरे इसका सुनो ना, ही इज यू नो. सॉरी अमन, अमन ने अभी नॉट आउट. अमन सर प्लीज कम टुगेदर, आई वुड लव टू हैव यू. तो मैं तेरे को एक सिंपल ऑफर देता हूं, मैं किसी के साथ नहीं आ रहा, मैं भी अकेला करूंगा. सोलो. मेरे को अपने टाइम की वैल्यू है और मुझे लगता है मैं अकेले कर सकता हूँ. तो जो अनुपम ने दिया 50 लाख फॉर 4%, सेम ऑफर मैं तेरे को देता हूँ. थैंक यू सर. को एक्विटी कम देनी है 6% से? क्या क्या सर, आई डोंट थिंक मैं कभी भी इसके बाद रेस करूंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको. इसी से कमा के इसी में डालूंगा, मेरे लिए वो विजन है. तो चलो आपके पास एक सिंगल ऑफर है 60 लाख 6%, नमिता अनुपम एंड आई. Done, sir. All right. Good job. You have a deal. Good job. That amazing founder. I just want to. Thank you so much, ma'am. Love your work. This is my gift to you. Kya likha hai? Maine padho. Chaitanya, I am in. Ye mera expertise hai. Nice. Love it. Drama, cheez, ma'am.